गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेट का फॉर्म ऑनलाइन करते समय यदि आपके नेटवर्क इशू की वजह से या आपकी डिवाइस की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन किस प्रकार से करें ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल में जाकर के या तो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में गूगल में जाकर के सरकारी रिजल्ट.com आपको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आप इसकी जो लेटेस्ट जॉब है उनमें आएंगे और लेटेस्ट जॉब में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि UP SSSC पेट ऑनलाइन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे जाएंगे कर्सर की सहायता से। तो आप नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पे एग्जामिनेशन फी, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, यानी रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया होगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन मेरा यहाँ पर 30, 21, 41, 29, 875 ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जेंडर अपना चूज करेंगे, जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद में आप यूपी से हैं या यूपी से नहीं है ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अपनी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप जो भी यहाँ पर कैप्चा दे रखा है वेरिफिकेशन के लिए ये आप यहाँ पर देख लेंगे। ये कैप्चा बना है यहाँ पर ACEJV, तो इस कैप्चा को प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस ऑथेंटिकेशन थ्रू, यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से खुलना चाहते हैं या ईमेल आईडी से खुलना चाहते हैं तो आप यहां पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद में आप यहाँ से आप अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप और यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फोटो अपलोड करेंगे और फोटो अपलोड करने के बाद में आप अपनी फी पे करेंगे, उसके बाद में अपना फॉर्म का फाइनल जो है सबमिशन कर देंगे पैट की, पैट फॉर्म का। तो इस प्रकार से आप यदि आपको इशू आ रहा है रजिस्ट्रेशन के बाद में तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं।